आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की ओर से जैन तो आज की बात करने वाला यहाँ पे जेकेपी पुलिस कटअप के बारे में। काफी सारे लड़कों के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर एक कटअप के ऊपर यहाँ पे वीडियो बना दीजिए कि जेकेपी पुलिस बॉयज का जो कटअप है बॉर्डर बटालियन का वो यहाँ पे क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो कटअप है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो आपका कटअप है वो यहाँ पे रहेगा। किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका कटअप हाई रहेगा और किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो कटअप है वो यहाँ पे लो रहेगा। जिस तरह मैं आपको बता दूं यहाँ पे गर्ल्स का जो कटअप था वो यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ज्यादा गया था और किसी में कम गया था, वैसे यहाँ पे बॉयज का रहने वाला है कि बॉयज का जो कटअप है वो यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट में कम रहेगा और किसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कैंडिडेट यहाँ पे जनरल वाले हैं उनके नंबर अगर 80 से ऊपर है तो उनकी 100% यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जनरल वाले जिनका नंबर 80 से ऊपर है जिनके नंबर उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और जिसकी कोई भी यहाँ पे कैटेगरी है अगर उसके यहाँ पे 70 से लेके 80 के बीच नंबर है वो भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं अब आपका डिपेंड करता है जिसके नंबर यहाँ पे 50 है, 45 है, 55 है, 60 है, 65 है, उसका डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, उसका जो मेरिट है वो यहाँ पे उसकी डिस्ट्रिक्ट में कितना जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं इतना आपको कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कितना जो मेरिट है वो यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपका मेरिट है सबसे ज्यादा जो हाई है वो यहाँ पे जम्मू में रह सकता है। ठीक है, जम्मू का मेरिट आपको बता दूं हाई आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप सभी यहाँ पे मुझे जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके कितने सही क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं जिसके अंदाजे से हम यहाँ पे आपके लिए जो वीडियो है वो यहाँ पे बना सके कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे कितना रह सकता है। वो हम तभी बना सकते हैं जब आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी कैटेगरी के बारे में बताएं और अपने मार्क्स के बारे में बताएं, तभी हम आपके लिए जो वीडियो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जल्दी अब आपका जो रिजल्ट है जेकेपी पुलिस बॉयज बॉर्डर बटालियन का वो यहाँ पे आउट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं 26 को आपका रिटन एग्जाम हुआ था, उसके 45 अगले 45 दिन के अंदर अंदर यानी कि 45 डेज के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जेकेपी पुलिस का आ जाना चाहिए। क्योंकि जो भी रिजल्ट होते हैं वो 45 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे इंतजार रहेगा आपके रिजल्ट का, जैसे आगे हमारे पास कोई रिजल्ट की अपडेट आएगी, जब कोई भी और अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे अपने चैनल के जरिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।